तो गाइस ये है मारुति सुजुकी का न्यू मॉडल वैगनर और ये BS6 है और देख सकते हैं ये है इसका फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड में देख सकते हैं ये जगह पे डैमेज हो गया था, तो जगह पे लग गया था, तो अभी आया है गैरेज पे और देख सकते हैं इसका पूरा हम लोग फुल कल कर दिया है, फ्रंट साइड का बम्पर वगैरह सब कुछ। और इसका हम लोग क्रॉस मेंबर को भी खुला है, तो यहाँ पे क्रॉस मेंबर का काम चल रहा है, यहाँ पे इसको वेल्डिंग किया जा रहा है। तो ये पूरा टेढ़ा हो गया था, तो अभी इसको सीधा करके वेल्डिंग कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका रेडिएटर वगैरह, और ये रेडिएटर का फैन है, तो फैन तो अच्छा है लेकिन ये पूरा टेढ़ा हो चुका है। ये है रेडिएटर और ये रेडिएटर पूरा टेढ़ा हो चुका है, तो ये भी पूरा ख़त्म हो गया, तो ये भी पूरा डैमेज हो गया देख सकते हैं। और ये है एसी कंडेंसर का चेंज होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको खोल दिया है। तो ये है नया पार्ट, तो ये सब अभी लगने वाला है, ये सब नया लेके आए हैं हम लोग। तो ये एसी का कंडेंसर है और ये रहा रेडिएटर और फैन, तो ये भी नया है, तो अभी ये सब लगने वाला है। अभी इसका काम आने के बाद हम लोग ये रेडिएटर वगैरह लगा देंगे। तो ये जगह पे लगा हुआ रहता है रेडिएटर और उसका आगे पे लगा हुआ रहता है ये वाला क्रश मेंबर, और इसका बम्पर भी चेंज होगा। तो अभी आपको बम्पर एक बार दिखा देता है, बम्पर का हालत क्या है। तो ये रहा गाड़ी का बम्पर, तो इसका भी हालत पूरा ख़राब है, आपको एक बार दिखा देता है इसका हालत कैसा है। ये जगह पर लगाया है और बाकी बम्पर अच्छे है, लेकिन इसका अंदर तरफ ज़्यादातर टूटी है, तो यह अभी हम लोग इसको चेंज कर दे रहे हैं। तो ये जगह पूरा टेढ़ा हो चुका है और ये रहा नया बम्पर, अच्छा अच्छा पार्ट है सब खुल के अभी हम लोग इसमें नया वाला बम्पर में डाल रहा है, जैसे कि यहाँ से हम लोग फॉग लाइट खुल के ये वाला बम्पर पे फॉग लाइट डाला है। और देख सकते हैं इसमें पेंट किया हुआ है सिल्वर कलर का, इसको भी पेंट करना पड़ेगा, अगर प्लास्टिक का कोई पार्ट आता है तो यही कलर आता है, तो इसको पेंट करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ये वाला ग्रिल को खोल रहे हैं, तो ये वाला ग्रिल ये जगह पे लगने वाला है, तो ये ग्रिल अच्छा है, सिर्फ बम्पर डैमेज हुआ है। तो ये है ग्रिल, तो ये वाला ग्रिल लगने वाला है न्यू बम्पर पे, और इंजन का कुछ डैमेज नहीं हुआ, तो इसका इंजन पूरा ओके है, इंजन में कुछ डैमेज नहीं हुआ है, सिर्फ इसका ये वाला सामने में जो पार्ट था यहाँ पे लगेगा कुछ इस तरह। तो देख सकते हैं अभी इसको सीधा करके लेके आया है और अभी मिला रहा है जो जगह पे ये फिटिंग होने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम लोग क्रॉस मेंबर को दिखा दिया है, साथ में इसका कंडेंसर को भी लगा दे रहा है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग बम्पर वगैरह सब कुछ लगा दिया है, तो फाइनली गाइस काम हो चुका है कंप्लीट। गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना, ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।